फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी आई थी किचन में अपने लिए नाश्ता रेडी करने, क्योंकि अभी अभी उठी हूँ। और ये मैंने शक्कर वाले घी को मैंने गाड़ लिया है अवन में गरम। तो जो ये शक्कर है ना, ये इसमें हो गई है ब्राउन। ठीक है, आप देख सकते हैं शक्कर हो गई है इसमें ब्राउन। और अभी मैं अवन में रोटी गर्म कर रही थी अपने लिए। होगी और गरम, ये हो गई है जी गरम और गरम रोटी। तो इसको कर देते हैं कवर ताकि ये होना ठंडी। ठीक हो गया। अभी चाय इसमें डालते हैं चीनी पत्ती। और अभी हम लेते हैं इसमें चीनी पत्ती। आप लोग ये नहीं कहिएगा कबर्ट में क्या है, बातें नहीं कीजिएगा, बस इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार। तो मैं अभी इसमें एक हाथ से सेल्फी स्टिक पकड़ी है और पतली खुल गया था। आपको नज़र ना आ रहा हो कि मैं कर क्या रही हूँ। मैं मलाई को कर रही हूँ एक साइड पे और उसमें डाल रही हूँ मैं पत्ती। मेरे हाथों पे भी लग चुकी है जी पत्ती। वीडियो खुद ब खुद आज मोबाइल का कुछ गड़बड़ है, मोबाइल है ख़राब, वो खुद ब खुद चलता है, खुद ब खुद ही जो है ना इसका कुछ पता नहीं चलता। तो ये डाल दीजिए थोड़ी सी चीनी और चाय को रख दिया ओवन के अंदर। दस चला दिए इसको। ये जो जहाँ से लिए चीज़ें हमको वहीं पे ही रख दीजिए। जी फ्रेंड्स, तो आप सब ने उम्मीद है कर लिया होगा नाश्ता, क्योंकि टाइम हो गया है ज़्यादा। तो मैं तो अभी उठी हूँ, पहले जाके रैबिट्स को गर्ड घास डाले वो वाली वीडियो डालूँगी। सेकंड रूटीन में अभी मैं अपने लिए रेडी कर रही हूँ नाश्ता। तो आप देख सकते हैं अभी कंबल शंबल तो मैंने उठाए नहीं बिल्कुल भी बेड से, क्योंकि नाश्ता करके तो फिर भी लेटना ही है। और एक आज फ्राइडे है तो आज शायद काम वाली आए जी भी जल्दी आ जाए। और कल वो वैसे सारा धो तो गई थी, सफाई वगैरह कर गई थी, लेकिन घर सारा साफ है। लेकिन ये वाला कमरा मैंने उनसे नहीं धुलवाया था, ये आज मैं उनसे धुलवाऊंगी। इस कमरे में पड़ी हुई है वॉशिंग मशीन और है सारा खाली, कबर्ड्स अलमारियाँ वगैरह ये बिल्कुल खाली है। तो बाहर की भी हमने चक्कर चक सफाई करवा ली थी आया जी से। ये देखिए जी चकाचक सफाई हुई हुई थी, क्योंकि इधर से आती है बहुत ज़्यादा धूल और मिट्टी, जिसके बिना गुजारा मेरी तो एक मिनट धूल मिट्टी से नहीं लगती। चाय ओवन में बन रही है, चाय हो जाए रेडी। तो आज का जी नाश्ता, और फ्रेंड्स आप सुनाए नाश्ते के बाद अभी मैं करूँगी जी, जाऊँगी दोबारा से रैबिट्स के पास छत पे और धूप में थोड़ी देर बैठूँगी, धूप इंजॉय करूँगी बस। फिर अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, देखते हैं क्या होता है। ये मेरा मोबाइल खुद ब खुद आगे आ रहा है, खुद ब खुद पीछे जा रहा है, खुद ब खुद आगे आ रहा है, खुद ब खुद पीछे जा रहा है। रूम की अभी तक मैंने नहीं की जी सफाई, और करने वाली भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो लेटना ही है, लेटने के बगैर और कोई दूसरा काम है ही नहीं। तो सोना सोना सोना, अभी सो के उठी हूँ, मुँह हाथ धोया, टीथ ब्रश की और ऊपर रैबिट्स के पास चली गई। तो अभी जी ओके, मैं नाश्ता रेडी करके फिर आपको बताती हूँ। ओके, मोबाइल में है कुछ गड़बड़ जिस वजह से ये बस अपनी मस्ती में लगा हुआ है, धूम मूल हुआ हुआ है, स्टॉप नहीं कर रहा वीडियो को। चले कोई बात नहीं, आगे आ रहा है पीछे जा रहा है, आगे आ रहा है पीछे जा रहा है, पता नहीं मेरी वीडियो कैसी बन रही होगी, मुझे तो आइडिया नहीं है, देखते हैं। ओह चाय, आपके चक्करों में चाय का अंदर हो गया कबाड़ा। ये देखिए जी सारी चाय गिर गई,
चल नो प्रॉब्लम, मेरे लिए जितनी बची उतनी ही काफ़ी है। इसको मैं मिक्स करके डाल देती हूँ दूसरे कप में। क्यों ना जी, हमारे लिए जितनी है वो इतनी काफ़ी है। जितनी नसीब में पीनी तो उतनी ही है, जो गिर गई वो नसीब में नहीं थी। शायद कुछ लोग देख रहे हो वीडियो, मुझे चाय पीते हुए दिन का भी दिल कर रहा हो कि यार काश हम भी इस टाइम चाय पी रहे होते, तो शायद इसलिए गिर गई, मेरे नसीब में नहीं थी। नो प्रॉब्लम, तो हमने इसको कर लिया है एक कप से दूसरे कप में शिफ्ट। तो अभी मैं लूँगी ना, मेरी बहन गिर गई प्लेट, मैंने बोला ना गिरी फिर भी वो गिर गई। तो जनाब क्या हो सकता है, शक्कर थोड़ी गर्म कर ले, नहीं हो सकती, अब चाय गिर गई है। इसको मैं वापसी पे साफ करती हूँ। तो पहले लेके जाती हूँ ये शक्कर और रोटी, फिर उसके बाद लेके जाऊँगी चाय, ठीक है जी। जी फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने नाश्ता कर लिया होगा, मैंने तो भी करना है। तो मोबाइल बहुत गड़बड़ कर रहा है, पहले कर लेते हैं एक्स्ट्रा लाइट ऑफ। जी लाइट कर दी मैंने ऑफ, अभी यहाँ की लाइट करनी है ऑफ, लेकिन मेरे हाथ में है सेल्फी स्टिक, ये जी कर दी यहाँ की भी लाइट ऑफ। रूम में तो मैंने बैठ के भी नाश्ता कर लेना जी। तो ये देखें वॉशरूम का डोर है जी ओपन, इसको करते हैं जी क्लोज। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको मिलती हूँ झटपट फटाफट दो चार सेकंड के अंदर दोबारा से, ठीक है, नाश्ता करके। और जिस जिसने नाश्ता करना मेरे साथ वो आ जाए। बिस्मिल्लाह जी, वेलकम हो गया। ये शक्कर आप मत देखिएगा कि ये जली हुई है, ये इसमें सिर्फ ब्राउन हो गया और टफी बन चुकी है शक्कर। ये बहुत मज़ा करती है रोटी के साथ, जब खाते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मेरा मोबाइल कुछ कर रहा है गड़बड़, खुद ही आगे जा रहा है, खुद ही पीछे जा रहा है, मुझे कुछ पता नहीं है कि कैसी वीडियो बनेगी। तो आप सब देख सकते हैं, नाश्ता कर लूँ लेकिन मोबाइल अगर मैंने उतारा ना तो वीडियो हो जानी है बंद, और वीडियो बंद हो गई तो सारी हो जानी है गड़बड़। मैंने जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरे से 8-10 मिनट से ज़्यादा वो नहीं बन सकती और बनती भी नहीं है मुझसे। जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ 8-10 मिनट, बस इससे ज़्यादा मेरे से वीडियो नहीं बन सकती। और खुद ब खुद मोबाइल जो है ना वो मेरे बटन पर हाथ लग जाता है या आगे पीछे हो जाता है, खुद ब खुद वीडियो रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं चलता जी। फ्रेंड्स तो यहाँ रख देते हैं सेल्फी स्टिक को, अगर वीडियो बंद ना हुई तो। जी नहीं हुई बंद, पीछे से विंडो की आएगी रोशनी बहुत ज़्यादा और मुझे करना है नाश्ता, नाश्ते को करवाते नहीं है ज़्यादा इंतज़ार। तो मिलते हैं नाश्ता करके, अब तो स्टॉप हो जा। देखें जी वो कह रहे मैंने स्टॉप ही नहीं होना। जी फ्रेंड्स मेरा हो गया है नाश्ता, और मैंने नाश्ता रख दिया है टेबल पर बस। और अभी मैं जाऊंगी दोबारा से रैबिट्स के पास, क्योंकि नीचे का तो इतना काम नहीं, सिर्फ कंबल हैं तो वो मैंने लेटना है, मैंने उठाने नहीं है क्योंकि सर्दी है और आपको पता है जाना कहीं होता नहीं, तो इसलिए वजह से बस। ये तो वीडियो पकड़ के मोबाइल बस वीडियो बनाते रहो बनाते रहो। अच्छा जी, तो मैं जा रही थी छत पे स्टॉलर ले लूँ, क्योंकि ऊपर होती है ठंड, ठंड थोड़ी भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो अभी धूप निकली हुई है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है,
बहुत मज़े की है, आप देख सकते हैं बाहर का व्यू। रैबिट सारे अपना खाना खा के चले गए जी अंदर, और इन सब का खा लिया है अपना खाना, तो ये बैठे हुए आप मज़े। मेरा भी नाश्ता हो गया है, मैंने भी कर लिया है जी नाश्ता। तो अभी मैं आई हूँ जी दोबारा से छत पे, बच्चों की हो रही है एक्टिविटी, स्कूल के बच्चों की आप देख सकते हैं, बच्चे खेल रहे हैं जी। और टीचर उनको बता रही हैं जी फुटबॉल खेलना, तो मैं तो छत पे आई हुई थी। एक वो अंकल बेचारे मेरी तरह सामने चिड़ियों के लिए ना, उन्होंने भी लगाई हुई है चिड़ियों के घर जो बने हुए मिलते हैं ना, वो अंकल ने लगाए हुए हैं। तो टीचर्स जो से वो अपनी एक्टिविटी कर रही हैं, बच्चों के साथ खेल रही हैं, और आप देख सकते हैं कि टीचर्स जो उनसे वो बच्चों के साथ एक्टिविटी कर रही हैं, और एक अंकल पीछे घास काट रहे हैं और वो बेचारे टीचर्स को ही देख रहे हैं। तो कोई बात नहीं, चलता है। यहाँ पे चिड़ियाँ माशाल्लाह से खाती हैं अपना दाना, और शोर डालती हैं बहुत ज़्यादा, तार पे बैठी हुई हैं। रैबिट इस वक्त चले गए हैं जी सब के सब अंदर, और मैं हूँ जी छत के ऊपर। मैंने उनसे ना इस वक्त अभी बस इंतज़ार हो रहा है कि 15 मिनट की वीडियो हो जाएगी ना, फिर शाम की रूटीन में जो उनसे जो कुछ करूँगी वो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी तक तो फ़िलहाल ये था नाश्ता और रैबिट्स की सुबह की रूटीन, दो चीज़ें हो गई। तो जी फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ जी नीचे। मेरा सारा दिन यही काम होता है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं उठ के पीती हूँ एक गिलास खाली पेट गर्म पानी। तो अच्छा, रैबिट्स का पानी हुआ हुआ है ख़त्म, तो मैं इनको डाल देती हूँ ताज़ा पानी। धूप है, धूप में मुझे तो पता नहीं क्या रहा, नज़र आ भी रहा है कि नहीं। वो जी फ्रेंड्स, तो इनका काम पानी वाला भी हो गया। अचानक नज़र पड़ गई कि इनका पानी एंड हुआ हुआ था, और रैबिट्स के लिए घास टोकरी में पड़ा हुआ है। अब मैं जा रही हूँ नीचे, और पौधे भी माशाल्लाह से मेरे सब अच्छे हैं, ठीक हैं, मज़े में हैं। तो आज फ्राइडे है, काम वाली भी जल्दी आ जाएगी, उम्मीद तो है जल्दी आ जाएगी, आगे का पता नहीं है। इस घर में और मसला कोई नहीं, सारा घर साफ रहता है। सिर्फ क्या है कि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, इतनी मिट्टी होती है ना इतनी ज़्यादा, जिसकी कोई हद नहीं है। सोच रहे होंगे मैं आपको अंधेरे में कहाँ ले आई हूँ उठाने के लिए। मोबाइल भी ना गड़बड़ कर रहे हैं, इसकी समझ भी नहीं आ रही। ये कभी खुद ही आगे जाता है, कभी खुद ही पीछे आ जाता है, कभी खुद ही आगे जाता है, कभी खुद ही पीछे आ जाता है, इसका पता नहीं चलता। जी फ्रेंड्स, तो मैं फिर से आ गई रूम में। आप भी सोच रहे होंगे क्या पागल है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है, तो बस यही रूटीन है। और ज़्यादा तो मैं भी नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जब पानी पी के छत पे जाके वॉक करती हूँ वही काफ़ी होता है। तो
और सुनाएं जी आप सब ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। नेक्स्ट की रूटीन आपको बताती हूँ।